अभी कब से बंद है? अभी अगले हफ्ते से बंद है। तो कैसे चलिए बाबा, इसे बंद रहिए तो कहाँ काम हो रहा है? अपने आगे खुद मोहल्ले है तो अपने कहाँ बोल सका जब बताओ। आज मुसलमान खुद गुमराह हो गई है। नोटबंदी जीएसटी के बाद जो टेक्सटाइल के हालात है वो सबके सामने है, बहुत ही ख़राब दौर से गुजर रही है। लेकिन पिछले जो 5 महीने गुजरे हमारे, ये बे इंतहा ख़राब है। अभी पिछले महीने जो 5 दिन का बंद हुआ, तमामी लोगों के मशवरे से, तमामी तंजीमों ने जो 5 दिन बंद का फ़ैसला लिया था होली से पहले, उसी सिलसिले की कड़ी थी, 5 से 9 फरवरी। उसके बाद होली का त्यौहार आया, तो आमतौर से होली के त्यौहार के अंदर हमारे जो व्यापारी बंधु है, जो हमारे कपड़ा खरीदने वाले हैं, ये हमेशा ये 10 दिन का बंद इनका ऐलान रहता है और ये राजस्थान चले जाते हैं, पूरा कपड़े का पेमेंट वगैरह, कपड़े की डिलीवरी वगैरह पूरी ब्लॉक हो जाती है। लेकिन इस दफ़ा मंदी के चलते इन्होंने इस बंद को 15 दिन का किया, 13 दिन का, 5 से लेकर 18 तारीख तक। इसके चलते जो भी लोगों की डिलीवरियाँ जानी थी, पेमेंट आना था, वो भी नहीं हुआ। 18 तारीख से अचानक अपना ये बंद का ऐलान सरकार की तरफ से हुआ, लॉकडाउन का। वहाँ पे जैसे ही ये ऐलान हुआ, कपड़ा एसोसिएशन ने हमको लेटर दिया कि जब तक ये लॉकडाउन है हम किसी भी तरीके की डिलीवरी भी नहीं लेंगे और ना कोई पेमेंट करेंगे। पेमेंट नहीं करने की उन्होंने ये वजह बताई कि अभी तक जो हमारा होली का बंद था और अभी लॉकडाउन की वजह से ऊपर से हमारा कोई पेमेंट अभी तक उतरा नहीं है। और लॉकडाउन 31 तारीख के बाद फिर गवर्नमेंट का नया आया कि 14 अप्रैल तक ये लॉकडाउन को उन्होंने एक्सटेंशन दिया, तो कपड़ा व्यापारियों ने फिर नया लेटर दिया कि भाई हमारा भी बंद 14 अप्रैल तक रहेगा। अब तमामी लोगों को मालूम है कि मालेगांव के बुनकरों के हालात क्या है। इनके पास कोई पेमेंट नहीं है, यान का पेमेंट इनके ऊपर सब चढ़ा हुआ है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि इन हालात को समझते हुए अभी बंद के चलते कोई यान वाले भी हमसे पेमेंट का तकाजा नहीं कर रहे। लेकिन ये जिस दिन ये खुलेगा, जाहिर सी बात है उस दिन से उनका भी तकाजा शुरू हो जाएगा। और जो भी आज अखराजात शुरू हैं लोगों के, वो अपनी जगह पे बरकरार है, तो जो भी पैसा खर्चा हो रहा है तो उसी में से हो रहा है। तो ये तनाज़ा आगे बहुत बढ़ेगा अभी, और आगे हालात ये खुलने के बाद और मज़ीद ख़राब होंगे, क्योंकि पूरा हिंदुस्तान लॉकडाउन है। कब पेमेंट आएगा, कब क्या होगा, कब हम यान वाले को चुकाएंगे और कब कैसे कारखाना चालू करेंगे, ये बहुत ही खतरनाक सवाल है। तो अभी तो हम लोग खाली जो भी है कि अभी अपनी ज़िंदगी बचाने में लगे हुए हैं। इंशाल्लाह जैसा भी रहेगा आगे, उसके ऊपर हम लोग फिर फिक्र करेंगे। नहीं, हमारी कोशिश तो ये होना चाहिए कि जितनी तंजीमें आज पावर लूम के हित में, इस शहर के हित में काम करती है, उनके एक होकर हमारे शहर के लिए हमने एक नुकाती प्रोग्राम बना के सरकार के सामने बैठ के, जैसे जो लोग भी सरकार दूसरे लोग को सहूलतें दे रही है, तो पावर लूम बुनकरों को भी वो सहूलत मिले, ऐसी हमारी कोशिश होना चाहिए। सरकार जैसे हमेशा ऐसे हालात में, दुष्काल के हालात में, बुरे वक्तों में शेतकरियों का उन्होंने हमेशा साथ दिया, पावर लूम सनत का भी कभी ना कभी कुछ ना कुछ साथ दिया। लेकिन ये तो बहरान का दौर है, बहरान के दौर में सरकार को इसमें सोचना होगा। और जहाँ तक पावर लूम सनत की बात है ना, तो प्रति लूम 10,000 रुपया कम से कम इन्होंने बुनकरों को देना चाहिए। अगर से वाकई सनत की बका सरकार चाहती है, शेतकरी के बाद सबसे बड़ा वर्ग है जो आज रोज़गार देता है, तो सरकार को इसमें बहुत संजीदगी से गौर करना पड़ेगा। जिस वक्त ये बात चली थी कि मालेगांव को प्राइवेटाइजेशन में देना चाहिए, तो वाहिद तंजीम मालेगांव पावर लूम उद्योग विकास समिति शुरू दिन से इसके खिलाफ रही है। इनके जितने लूज फॉल्स हैं प्राइवेटाइजेशन के, हमने मिनिस्ट्री के सामने 12 रखे हुए हैं। इनके मीटर 12% फास्ट है। भिवंडी में इन्होंने 436 करोड़ रुपये का गबन किया, हमने पेपर्स गवर्नमेंट के सामने रखे। औरंगाबाद में जो प्राइवेट एक ठेकेदार था, 110 करोड़ रुपया उसने बिजली बिल में LBT के नाम पे वसूल करके फरार हो गया, हमने उसका वहाँ पे रखा। हमने कहा कि हम लोग चोरी के फेवर में नहीं है, जहाँ पे भी चोरी है आप उन पे कार्रवाई कीजिए। लेकिन मालेगांव की रिकवरी आप लोग देखेंगे ना, तो इसके ऊपर पूरे नासिक डिस्ट्रिक्ट का पेमेंट होता है। तो यहाँ के लोग बिल भरने से कोई नहीं किया जाता, यहाँ के बुनकर के अंदर कोई वो नहीं है। जहाँ कहीं भी है, खेती में है, घरगुती में है, जहाँ पे भी है, आप लोग उनको इंक्वायरी कीजिए, आप यहाँ पे अच्छे ऑफिसर्स अपॉइंट कीजिए,
जो भी चोरी है उनको सब पता है, आपके अधिकारियों को पता है कहाँ पे क्या है, लॉसेस कहाँ पे है। 1972 का आपका इंफ्रा है, जो लॉसेस है वो इंफ्रा की वजह से भी है। जाहिर सी बात है जब तक आप ट्रांसफार्मर और केबल्स वगैरह नहीं चेंज करेंगे तो आपका लॉसेस कम नहीं होंगे। तो प्राइवेटाइजेशन, आप अपना, गवर्नमेंट अपना नुकसान कर रही है, अपनी कमाई में से कमीशन दे रहे हो आप, तो कहीं ना कहीं अच्छा प्रॉपर मालेगांव और मुमरा ही क्यों, इससे ज़्यादा लॉसेस तो महाराष्ट्र में आए और कई शहरों में है, परभनी वगैरह में। तो आप यानी मतलब कहीं ना कहीं आपकी नीयत में खोट है, लेकिन काफ़ी एजिटेशन भी, आज बहुत बड़ा जलसा, बहुत बड़ा जुलूस हमारी तरफ से भी निकाला गया मालेगांव में, हमारे माझी के MLA थे उनकी सरपरस्ती में, उन्होंने भी बहुत कोशिश की थी, लेकिन एक चीज़ सरकार तय कर चुकी थी, उन्होंने टेंडर जारी कर दिया और हमको कोई दूसरी तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिला किसी का। इसकी वजह से उन लोगों ने देख लिया कि यहाँ पे इनमें दो तड़ है, इसलिए उन लोगों ने दे दिया। अगर पूरा शहर एक जगह रहता, हम लोग इकट्ठा रहते, तो हो सकता शायद ये नहीं जाता। कारखाने में पावर लूम सनत में नफा नुकसान, मंदी और तेजी, ये हमेशा का हिस्सा रहा है, लेकिन कारागिर और सेठ का मालेगांव में छोटी दामन का साथ रहा है, तो कारागिरों को भी कारखाना बंद होने से प्रॉब्लम आ रहा है, तो इस ताल्लुक से मतलब उनका क्या, कारखानादारों को भी नुकसान ना हो और मजदूरों को भी कहीं एहसास कमतरी ना हो? नहीं, बिलाशुबा देखो ये चीज़ तो रहना चाहिए कि हमेशा जब भी मालेगांव में ये तरीके की परिस्थिति रही है तो अपने अपने तरीके से लोगों ने बराबर अपने मजदूरों के साथ मैनेज किया हुआ है, और उम्मीद है इंशाल्लाह अभी भी करेंगे। एक नंबर चीज़ है कि जान है तो जहान है, तो सबसे पहले तो मैं यही सबको गुजारिश करूँगा कि जो सरकार चाह रही है लॉकडाउन के लिए, मुकम्मल तरीके से हमको कोऑपरेट करना चाहिए, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक एक भी पॉजिटिव केस हमारे यहाँ है नहीं है। अगर से ऐसे ही हालात रहे तो कल हम धंधे के काबिल भी रहेंगे, और धंधे के काबिल रहे तो कुछ ना कुछ अल्लाह ताला से हम बेहतर गुमान कर सकते हैं। गुज़िश्ता दिनों रमजान पूरे में एक कारखानादार को चोरों से ज़्यादा बुरी तरह से ज़ख्म किया गया, कोई कारखानादार तंजीम, कोई सनती रहनुमा, कोई कायदे सनत इस मामले में आवाज़ नहीं उठा सका, आपको ये बात मालूम हुई थी? नहीं, माजर से साथ इस बारे में हमने DSP और SP साहब और प्राण महोदय, जब हमारी 3 दिन पहले मीटिंग थी तो हमको, हमने इस सिलसिले में उनको आगाह किया कि ये तरीका मुनासिब नहीं है। यहाँ पे जो भी लूम थे वो लूम चालू नहीं थे, वो लूम इंस्टॉल हो रहे थे, तो ये तरीके से आप शहर को अपने खिलाफ कर लोगे। तो उन्होंने तुरंत उस बात का नोट लेके हमको यकीन दिलाया कि नहीं, हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने एक बात ये भी कही कि देखो, हम इस किस्म की इजाज़त बिल्कुल भी नहीं दे सकते। जो हमने पीछे थोड़ी बहुत जो छूट दी थी, वो हमारा ये मानना था कि अगर से पूरा शहर बंद रहता है तो शहर की आवाम, घर छोटे छोटे हैं, कहीं ना कहीं ये रोड पे आते हैं, तो ये नज़रिए के तहत हमने थोड़ी छूट दी थी। लेकिन अभी जो एक पॉजिटिव केस लासलगांव में निकला, अब हम ये छूट बिल्कुल भी नहीं दे सकते। अगर से कोई ये चीज़ का अज़र पेश करे कि हम वहाँ लूम इंस्टॉल कर रहे थे, तो फिर कल कोई बोलेगा कि यार मैं वहाँ पर पंचर बना रहा था, कल कोई बोलेगा कि मैं यहाँ ये कर रहा था। और जाहिर सी बात है ये इन्फेक्शन एक दूसरे के करीब रहने से उससे होता है, और हम नहीं चाहते कि इस किस्म की बात कोई भी मालेगांव में हो। लेकिन बोले अब हम लोगों को, मतलब हमारे अधिकारियों को बोलेंगे कि इस तरीके का रवैया ना अपनाएं। कुछ यह टेक्सटाइल वालों का बिल बाकी रहता, टेक्सटाइल वालों का? हाँ, अब बंद है, वो लोग भी बोलते हैं कि यार हमको कुछ दो हफ्ते का, लेकिन अब मगर अभी तो अपने जैसे कपड़ा बिकता था तो अपन देते थे, अभी तो अपने पास पैसा आ नहीं रहा है, बैंकों में भी दुनिया भर की परेशानी है, उसमें अपन कारीगर को कहाँ दे देंगे? बैंकिंग निज़ाम को लेकर क्या कारखाने वालों को प्रॉब्लम आ रहा है? बैंकों से तो अभी रोज़ सिर्फ 20,000 रुपया मिल रहा है, और उसमें अगर अभी अपना कपड़ा बिक नहीं रहा है तो अपने बैंक को खाते में पैसा भी नहीं है, तो अपन कहाँ से उसमें से निकाल के देंगे कारीगर को? चेक डिस्काउंट करवाते थे कारखाने वाले, तो अभी चेक डिस्काउंट हो रहा है? नहीं, चेक डिस्काउंट नहीं हो रहा है, सब बंद हो गया है। अभी कारोबारी हालात, 14 तारीख के बाद अगर कारोबार शुरू भी हो गया तो यार नो आने और कपड़ा जाने में कम से कम 15 दिन का वक्त तो लगेगा, तो ये एक महीने में आपको क्या कारोबारी असरात आप लोगों के ऊपर आएंगे? 15-20 दिन तो कम बोल दिए, क्योंकि अभी जो सूद का पैसा जिनका तरफ देना है वो लोग अभी अपना पैसा वसूल करेंगे, कुछ कपड़े वालों का पैसा रुका जो डिलीवरी गई है वो लेना बंद करेंगे, और उसके बाद तो फिर जब सब अपना अपना पैसा, फिर उसके बाद कपड़ा भी खरीदी निकलेंगे तो कपड़ा लेंगे, और सूद तो अभी सब रोकड़ा मांग रहे हैं, अभी तो कोई धारे में देने ऐसी कंडीशन नहीं है, मिल नहीं रहा है कहीं से।
अपनी कोशिश तो यही रहती है कारीगर लोग को कि यार अपने जो बन सके उनको देना जाए, अपने वहाँ रोजी रोटी हासिल करते हैं, वो रोज़ खाते हैं, रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं, उनको देना चाहिए। मगर अभी आज हम भी मजबूर है कि हमारे पास कुछ है नहीं, हम कहाँ से देंगे उनको भी जाएंगे। जैसे हुकूमत जैसे किसान को जब वो कुछ खेत पे वो हो जाता है, जैसे कहत है जो पड़ जाता है, तो उसमें हुकूमत उनकी मदद करती है, उनका अनाज लेके अपने पास रख लेती है, फिर वो खुद उनको सपोर्ट करते हैं। तो हम भी ऐसा चाहते हैं कि हमारा जो कपड़ा है हुकूमत लेके अपने पास रखे और वही कोटे से हमको यार न दे। अपनी हुकूमत टेक्सटाइल इंजीनियर से ये कहना है कि यार जैसे जो 3 महीने के जो भी टैक्सेस है वो माफ़ किए जाए, और जो भी पावर बिल है वो पावर बिल भी माफ़ किया जाए सब। अभी तो जैसे जब से ये चालू हुआ है, जैसे जब से बिजली ठेका गया है प्राइवेट कंपनी में, उसके बाद से तो लूम का बंदी बंद की कंडीशन चल रही है। अभी तक कुछ समझ में नहीं आया पावर का क्या है क्या नहीं। फॉर एग्जांपल कि अगर आपका कपड़ा फी मीटर 20 रुपये के हिसाब से तैयार होता है, तो आने अभी फ़िलहाल उसका बता रहे हैं कि 1 रुपये के आसपास में मार्केट कम हो गया है, तो आने वाले वक्त में आपके पास तैयार शुदा कपड़े का भाव बढ़ेगा या कम होने की उम्मीद है? ये तो और कम होने की उम्मीद है, बढ़ने का तो अभी कोई चांसेस है नहीं कपड़े में। अगर इसका भाव अगर कम हो गया और आपके पास में जो माल पड़ा है, तो इससे तो आपको मजीद नुकसान होगा, तो उस सूरत हाल में आप और दीगर कारखाने वालों को क्या नुकसान हो सकते हैं? ये तो जो अगर इसमें हुकूमत कुछ हमको कुछ साधन नहीं देती है, तो ये सनत तो ख़त्म ही हो जाएंगी। आप जो हिसाब से माल है, आप लोगों की जो कारखाना दारों की यूनियन है, जो सनती लोग है, तो ये जो यूनियन चलाते हैं, तो यूनियन वालों की तरफ से आप लोग हुकूमत से अपने हकूक के मुतालबे के लिए कुछ कोशिश होती है? नहीं, अभी तक तो कोई ऐसी बात करे नहीं। जैसे हुकूमत से हमारा यही मुतालबा है कि यार जो भी है, जैसे जो भी कपड़ा तैयार है, जो भी हमारे पास जो भी भाव में तैयार हुआ है, उसको लेके अपने पास रखे और अपने कोठे में से हमको सूद दे। छोटे कारखानेदार में तो दारों पे जो भाड़े की भीम चलाते हैं जो है, उनका तो एकदम सिरे से कारखाना बंद हो गया है। ये अभी 2-3 हफ्ते में उनकी हालत बहुत ख़राब है, और हमारा जहाँ कारखाना है वहाँ पर वो कुछ सब ऐसे ही कारीगर लोग हैं, ऐसे ही कारखाने 20-24 लूम चलाने वाले हैं, वो लोग भाड़ा भी नहीं भर पा रहे हैं, किराया भी नहीं दे पा रहे हैं, उनका हाल भी बहुत परेशान है हाल है वो भी। आप लोग जिन व्यापारियों के पास में अपना माल फरोख्त तो करते हैं, तो उनकी तरफ से ऐसे हालात में आपको कोई मदद नहीं मिल रही है कैश की सूरत में या माल उधार की सूरत में? वो लोग आपको कोई कॉपरेट नहीं कर रहे, इतना जूना कारोबारी ताल्लुक आप लोगों का? अरे उनका तो जो अभी अपना कपड़े का पेमेंट, जैसे कपड़ा जो देते थे वो 15 दिन पे हमसे 15 दिन का पेमेंट देते थे वो हमको, वो तो अभी जो 15 दिन का पेमेंट दिया है वो चेक भी रुकवा दिए हैं। बोले है कि यार वो चेक लगाना मत, अभी अकाउंट में लगाना मत, वो रिटर्न हो जाएगा। उसकी खुद 20-25 दिन से होली भी आ गई थी बीच में, होली के बाद ये ऐसा आ गया, जब से हमारा सब मामला रुका है, और अभी जो 15 दिन का चेक देते उसको 1 महीना हो गया, वो लोग पास नहीं करा रहे। दूसरी माली मदद का तो अभी सवाल भी नहीं पैदा होता। पिछले 2 सालों से पावर लूम में जो कपड़ा तैयार होता है उसकी जो मंदी, पिछले 2 सालों से कपड़ों वालों को नुकसान हो रहा है, उसके बाद नोटबंदी, GST, फिर उसके बाद अभी कोरोना वायरस, ये सब होते हुए आगे भी फिर त्योहारों का सिलसिला है, ये पावर लूम की सनत बहुत बहरान की तरफ जा रही है। इसको जो है इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए हुकूमत को, और कुछ ना कुछ मदद करना चाहिए, नहीं तो ये सनत ख़त्म हो जाएगी।